श्रम विभाग की विभिन्न संचालित योजनाओं के विषय में विस्तार से अभी मैंने जानकारी दिया और आज यहाँ पर कुल लगभग 5,000 से ज्यादा श्रमिक लाभार्थियों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया, जहां पर पूर्ववर्ती सरकारों ने श्रमिक हित लाभ योजनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। श्रमिकों के खून पसीने गाढ़े कमाई के पैसे को अपने चहेतों में रेवड़ी की तरह साइकिल बांटी थी। आज उसके एवज में 16-16, 17-17 योजनाएं श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के रूप में चलाया जा रहा है। आज यहां लगभग 3,19,00,000 से ज्यादा धनराशि का लाभ बांटा गया और रिकॉर्ड तोड़ 5 गुना से लेकर 10 गुना तक ज्यादा रफ्तार में पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में श्रम विभाग तेजी के साथ आगे काम कर रहा है, बढ़ रहा है। श्रमिक विकास की मुख्यधारा में खड़ा हो, श्रमिक का को सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिले, श्रमिक की बेटियां और बेटे पढ़ लिख करके अच्छे ओहदों पर जाएं, इस चाहत के साथ श्रम विभाग पूरी निष्ठा के साथ इन योजनाओं को अंजामा देने में लगा हुआ है। अधिकारी भी हमारे निर्देश पर राज्य नेक कर इन योजनाओं को कारगर तरीके से पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मैं श्रमिकों के हित योजनाओं के विषय में लाभ की बात करने आया हूं और इसी संबंध में आप जो पूछना हो पूछिए। प्रियंका गांधी सहारनपुर दौरे पर आज रहा आपका उत्तर प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आपकी चिंता के पहले मैंने इस पर चिंता कर ली है, पारदर्शी व्यवस्था भी ला दिया है। अब मनमाने तरीके से आउटसोर्सिंग की भर्तियां नहीं होंगी। अब आउटसोर्सिंग कंपनियां जो जैम पोर्टल से अफिलिएटेड होंगी उनके द्वारा ही संपादित किया जाएगा। तीसरी चीज, मनचाहे तरीके से स्वेच्छाचारता के आधार पर अब भर्तियां पूर्ण रूप से रोक दी गई हैं। अब जो भी भर्तियां किसी विभाग में होगी उस भर्ती के सापेक्ष नामों के पैनल की सूची सेवा आयोजन से मांगा जाएगा। जो बेरोजगार नौजवान सेवा आयोजन में पंजीकृत होंगे उसी नामों में से पैनल की सूची जाएगी। अगर कहीं पर 10 पद हैं तो 10 के अगेंस्ट 30 नाम जाएंगे, उसी 30 नाम से उनको 10 रखने होंगे। जिसको भी रखेंगे सेवाजन वेब पोर्टल पर उसकी सूचना देनी होगी, टाइम टू टाइम उनका वेतन जा रहा है कि नहीं, पीएफ कट रहा है कि नहीं, सारी जानकारी उनको शेयर करना होगा।